हम आपको आज लेके चल रहे हैं हैरिस। दिस इज लादा रैक। सबसे चॉकलेट के स्लैब्स मिलेंगे आपको। पिज्जा भी दिख रहा है, सैंडविचेस भी दिख रहा है। इट लुक्स प्रीटी नाइस। आप बैंगन पकाएं और इसमें सर्व करें। 24 कैरेट गोल्ड ट्यूना, उसके लिए मैक्रोन्स उठा लूं। ये देखो बेचारी मछली, मार दिया जालमो। तो ये आपको पड़ेगा 30,000 rupees, 30,000 rupees का। थैंक यू सो मच। इजिली 3,500 rupees की ये बॉटल है। खाली सेल लगी हुई अपेरेंटली हैरिट्स में एप्पल की। तो लाखों रुपए खर्च ना करें, कटलरी पे हाथ से खाएं, बेहतरीन। नॉलेज है, ये सारी चीजें नॉलेज है। सो वेरी नाइस। ये मुझे ऐसा लग रहा है जो हैदरी में चप्पलें नहीं मिलती हैं हमारी, कसम बता रही हूँ। उमर हंस रहे हैं। जो जो चीजें मुझे जो इंटरेस्टिंग लगती थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को वो दिखाऊं प्राइसिंग क्या क्या है। और YouTube फैमिली, क्या हाल जाने भाई। हम आपको आज लेकर चल रहे हैं हैरिस। हैरिस यहाँ का बहुत ही लग्जरी शॉपिंग सेंटर है। बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं वहाँ पर, बहुत सारे सेक्शंस हैं। वहाँ पे फूड कोर्ट है, वहाँ पर जो है आपका चॉकलेट्स का अलग सेक्शन है, वहाँ पर ड्रिंक्स का अलग सेक्शन है, जूसेस, वेजिटेबल्स और लग्जरी पेस्ट्रीज, क्या कुछ नहीं मिलता वहां पर। तो हमने कहा क्यों ना आज हम आपको अपने साथ लेकर चलें और आपको वहां की सैर कराएं। मैं रेडी हूँ और उमर जैसे ही आते हैं हम लोग निकलते हैं। एंड वी गोना टेक यू ऑल द वे टू हैरिस सेंट्रल लंदन। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज हैरिस। लुक एट दैट, दिस बिल्डिंग स्टनिंग। कैन यू सी इट? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और सेल इज ऑन, डजंट मीन दैट वी कैन बाय। इनकी सेल भी बहुत एक्सपेंसिव है, क्राउड बहुत है, बहुत लोग आए हुए यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है उमर पार्किंग ढूंढ रहे हैं। ये लंदन है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसी पार्किंग मिल जाएगी इंशाल्लाह जो है फिर हम लोग पार्क करके फिर अंदर जाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे इनसाइड अराउंड के कैसा है और क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्या सेल लगी हुई है। वी विल शो यू एवरीथिंग इंशाल्लाह। सो या कितने खूबसूरत फूल है। Enter. Open, man, open the door. You want me to open? Kitne heavy doors hain iske. Guys, look at this bag. This is so pretty. Guys, ab hum log jo hai na chocolate hall mein aa gaye Harrods ke. एंड अच्छा बतील जो है इट्स वेरी फेमस। यहाँ पे जो इनकी डेट्स है ना वो बहुत फेमस होती हैं, लग्जरी डेट्स होती हैं जिसके अंदर फिलिंग होती है नट्स की, चॉकलेट्स की ऊपर जो कवरेज भी होती है। तो दिस इज़ बतील। तो यहाँ पर आपको ये ब्रांड भी मिलता है, ठीक है। एंड बहुत सारी चॉकलेट्स हैं यहाँ पर, लुक एट दैट। एंड दीज आर नट्स। तो यहाँ पर ये सारा सेक्शन है चॉकलेट्स का, तो यू विल गेट लाइक नट्स एंड चॉकलेट्स एंड lots of different things. कितने ये 45 pounds का है ये वाला जो चॉकलेट का है। और ये नट्स का जो पूरा पैकेट है ना गाइज दिस मच, ठीक है। इसमें तकरीबन 9 डिफरेंट नट्स हैं, डिफरेंट वराइटी है नट्स की, 40 pounds। दिस इज हैरिस, ऑब्वियसली नथिंग इज चीप हियर। सो उमर को जो है लदरक चॉकलेट जो है वो मिलाई थी उमर के लिए स्विट्जरलैंड से, और इससे अच्छी चॉकलेट हम लोगों ने आज तक नहीं खाई क्वालिटी वाइज। और यहाँ पर पूरे यूके में जो है ना वो सिर्फ हैरिस में अवेलेबल है। तो हम बहुत अरसे के बाद मौका लगा हैरिस आने का, तो वी गोना गो एंड बाय सम लदरक चॉकलेट। जब मैंने देखा ना दूर से लदरक का, तो चलो भाई लेके चलते हैं फिर लदरक से और लेते हैं उमर के लिए चॉकलेट्स। All right guys, this is Lada Rack. They have lots of variety, lots of packages that you can buy from here. इस तरह से चॉकलेट के स्लैब्स मिलेंगे आपको एंड यू कैन गेट। इसे पिस्ताशो है, इसमें पीनट्स हैं, ऑलमंड है, ब्राज़ील नट्स हैं, बहुत सारी वराइटी है। सो यू कैन गेट विच एवर यू वॉन्ट। हाँ ये था ना, मैंने ये लिया था, ये जो सारी लगी हुई है ना स्लैब्स, मैंने इसमें से तुड़वाया था आपके लिए ना, वो आपको अच्छी भी लगेगी, प्योर पिस्ताशो जो है। दैट्स क्यूट। ऑलराइट गाइस, सो वी बॉट लदरक चॉकलेट फॉर उमर। सो दिस इज गाइस लाइक व्हाट वी हैव बॉट, वी विल शो यू।
So we got one slab of hazelnut one with milk chocolate. And then we have also got this the one, which is like pistachio, orange and almonds with white chocolate. And it's delicious, honestly. It was so delicious. So, chale. मैंने उमर को ट्रीट दे दी छोटी सी. हैप्पी. वाओ, काफ़ी महंगी हैं चॉकलेट्स यहाँ पर. ये क्या यहाँ पर गोल्ड में भी मिल रही है? गोल्ड चॉकलेट्स हैं ये. 24 कैरेट गोल्ड. वाओ. वी ट्राई मैक्रून्स फॉर खूबा, उसको बहुत पसंद है. शला गहरे है ना. Look at that, this little pistachio macaroon cake, wow. All right guys, so I bought a few macaroons for Khoba. Khoba ki birthday bhi aa rahi hai, toh kyun na pehla present jo hai wo Khoba ka macaroon, usko bahut pasand hai. Toh kyun na uske liye macaroons utha loon. Achha janab, ab jo hum dekh rahe hain ye hai Godiva. Godiva bhi bahut is Belgium chocolate very very popular. Aur inki chocolate bhi bahut mashhoor hoti hain guys, so look at that. So they got lots of variety here. Umar, do you want more? I think we got enough chocolates now. हाँ, अब हम कौन सी मार्केट में आ रहे हैं? चीज़, लाइक चीज़ मार्केट. यहाँ पर जो है डिफरेंट वराइटी जो चीज़ है ना, आपको मुख्तलिफ किस्म के चीज़ मिलेंगे. बटर चीज़, आई थिंक दैट्स ऑल यू कैन गेट हेयर इन दिस मार्केट. लुक एट दैट. ये देखें गाइस, ये वो वाला प्रॉपर वाला चीज़ है जिसमें वो टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं. चूहे वाला. जैसे चूहा पकड़ने के लिए लगाते हैं ना, ये वो वाला है पूरा पूरा. वाह, इटालियन चीज़ है. लॉट्स ऑफ वैरायटी है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट. और साथ में चीज़ को ग्रेट करने का भी है यहाँ पर, भाई चीज़ ग्रेटर भी है यहाँ पर. अच्छा, ये वाले भी. हाँ, वो इटालियन चीज़ था. कितनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ है और बहुत सारी मुख्तलिफ कंट्रीज से है, एक जगह से नहीं है. अंडे भी हैं यहाँ पर. उमर, अंडे की प्राइस देखें क्या फ़र्क है, ज़रा बताइएगा मुझे. ये ऑर्गेनिक एग्स हैं, मीडियम. हाउ मच इज़ इट? 5 pounds. ठीक है. एक नॉर्मल पैकेट कितने का होता है सुपर मार्केट का? 3.5 or 4. ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, लाइक 1.5 pounds मोर हेयर. बट इट्स ऑर्गेनिक एज वेल, सो दैट्स द डिफरेंस. ऑर्गेनिक ऑलवेज एक्सपेंसिव होता है. और यहाँ पर डेयरी में भी लगा हुआ है, डेयरी आइटम्स भी हैं, लाइक बटर एंड योगर्ट एंड जैम्स. लुक एट दैट गाइस, यहाँ पर फ्रेश पास्ता मिल रहा है एंड यू कैन आस्क देम टू मेक इट फॉर यू. आप अपना कोई भी सॉस चूज कर सकते हैं, दे विल मेक द पास्ता फॉर यू. तो दैट्स सो नाइस. एंड ये क्या है? ये तो मुझे इंडियन फूड लग रहा है ना उमर. बिरयानी, इज दैट बिरयानी? चिकन बिरयानी. हैरिस में चिकन बिरयानी बट रही है. दिस इज, आई थिंक इट्स अनियन भाजी. ये पकौड़ा है प्याज का चपटा करके. वाह, और समोसा भी है यहाँ पर एंड नान. लुक एट दैट गाइस, दिस इज पनीर, दिस इज सीख कबाब. हैरिट्स के अंदर आपको इंडियन खाना भी मिल जाएगा या पाकिस्तानी खाना. वाह, ये मुझे पता नहीं था पहले. दिस इज लेबनीज फूड. ये लेबनीज फूड का स्टॉल है यहाँ पर. और आपको जो है रैप मिल जाएंगे डिफरेंट तरीके के. ज़तार लगा हुआ है यहाँ, सारी वैरायटी है यहाँ पर. दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ नाइस लाइक हम्मस. ओ वाह, आई लव लेबनीज फूड, इट्स वेरी वेरी नाइस. आई थिंक आई एम गोना बाय हम्मस फ्रॉम हियर, आई टेक इट विद मी. ओ एक्चुअली दे गॉट फलाफल बॉल एज वेल. वाओ गाइस, यहाँ पर जो है मैंने देखा था जूस मार्केट भी है, जूस बार जिसे कहते हैं, स्मूदी. और आपको जो है ना, आप जाएंगे और आप उनको बताएंगे कौन सा जूस चाहिए, तो वो आपको निकाल कर देंगे मुख्तलिफ किस्म के जूसेस. तो मुझे सामने दिख गया जूस बार, तो वहाँ चलते हैं और ट्राई करते हैं कोई अच्छा सा जूस वगैरह. लेट्स सी. ओके गाइस, लुक, आप देख सकते हैं कैवियर में डिफरेंट प्राइसेस लगे हुए हैं. और कैवियर जो है यहाँ पे बहुत महंगा होता है, काफ़ी यूनिक चीज़ है. ये मछली के अंदर से पाया जाता है, अपेरेंटली बहुत हेल्दी होता है और लग्जरी आइटम है. बड़े बड़े होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में आपको अगर ये खाने को मिलता है तो बहुत महंगी डिश होती है. ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर सैमन भी लगी हुई है पार्चों के अंदर. ये देखें, क्योंकि यहाँ पर कच्ची खाई जाती है सैमन, तो वो लगा हुआ है. सही है. और साथ में देखें यहाँ पर भी लगा हुआ है
ये देखें कितनी बड़ी फिश है ना, उसका पारचा लगा हुआ है, ये देखें पतले पतले पारचे लगे हुए हैं मछली के, सी फूड लगा हुआ है, ये प्रॉन्स हैं, ठीक है, और ऊपर भी लटकी हुई अगर मछली आप लोगों को दिख रही है बेचारी। ओह वाओ, ओह माय गॉड, दिस इज ओपन मार्केट। ओके, मुझे हैरानी पता है क्या हो रही है, जरा जो स्मेल आ रही हो है ना, करीब आ गया, लेकिन बिल्कुल इतनी मैं फिर भी बहुत करीब खड़ी हूँ और बहुत कम है, वरना इतनी तो ऐसी चीज़ें फैली हुई हो ना, यानी कि सी फूड लगा हुआ तो उसी कितनी आती है, देखें प्रॉन लगा हुआ है यहाँ पर, प्रॉन्स हैं, सी शेल्स हैं, मसल्स हैं, ओह माय गॉड, अच्छा आ रही है मुझे, क्रैब्स, ये देखो बेचारी मछली मार दिया जालमो। ओके गाइज, अब यहाँ से आके भी ले सकते हैं जो कि बॉटल्स के अंदर है, ठीक है, हैरिट्स की अपनी कंपनी के बनाए हुए डिफरेंट जूसेज एंड स्मूदीज, यू कैन बाय दैट। कोकोनट वाटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और ड्रिंक्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो भी आपको अगर पीने हो तो यू कैन गेट इट। और राइट गाइज, हम लोग आ गए हैं जूस बार, और यहाँ पर जो है आप इनको बता सकते हैं कि आपको कौन सा जूस पीना है, ये आपको बना के देंगे फ्रेश, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि कौन कौन से इनके पास जो है ना फ्रेश जूसेस में इनके पास है, सेब का, चुकंदर का, गाजर का, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज भी है, वाटरमेलन भी है, और जनाब इसके अलावा स्मूदीज भी हैं डिफरेंट, जो हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छी हैं, शेक्स भी हैं यहाँ पर। ओके, सो यू आर एडिंग स्ट्रॉबेरीज, मैंगो, ड्रैगन फ्रूट, बट इट्स ऑलरेडी देयर, ओके, एंड सम मिंट, ओके, एंड जस्ट ब्लेंड इट, ऑलराइट। दैट्स माइन रेडी, thank you so much, thank you, all right guys, so this is my very expensive smoothie, dragon smoothie, jiske andar hai sab hai aur iske andar dragon fruit hai, aam hai, strawberry and mint hai, and iski total price jo hai wo 10 pounds hai is bottle ki khali, theek hai, jo ke takriban easily 3500 rupaye ki ye bottle hai khali, itna sa juice jo smoothie hai pakistani rupees mein। सो दिस इज़ वाई हैरिट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए लिया दिखाने के लिए, तो चलें पी के बताती हूँ कैसा है। ओके, और राइट गाइज, और यहाँ पर लगे हुए हैं बहुत ही वैरायटी के फ्रूट्स अगर आपको लेने हो, ठीक है, हाई क्वालिटी, हर चीज़ यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी है, ठीक है। और ये रंबूतान, रिमेंबर, हमने साउथ हॉल में भी देखे थे, यहाँ पे इसकी डबल प्राइस होगी नो डाउट, मैं बता रही हूँ। ओके, और यहाँ पर लगे हुए हैं नट्स, ठीक है, देखें। और राइट गाइस, अब हम जा रहे हैं रोस्टरी एंड बेक हॉल, तो हम बेकरी में जा रहे हैं, सो देखते हैं कि यहाँ क्या मिल रहा है, दिस इज़ बेकरी, ठीक है, और लग रहा है सब ख़त्म हो गया है। क्योंकि हमें देर हो गई, 9-8 बज रहे हैं और 9 बजे बंद हो जाएगा हैरिट्स, सो बट कुछ तो दिखा हमें यहाँ पर, देखें यहाँ पे फ्रेश ब्रेड बनती है रोज़ाना, बल्कि रोज़ाना क्या, हर आधे घंटे में फ्रेश ब्रेड बनती है, आती है बाहर, और यहाँ पे ना बेल रिंग होती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि फ्रेश ब्रेड ओवन से निकली है, ताकि लोग आएँ और ले लें। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए आप ऊपर देख रहे हैं, इस पर हेच का निशान बना हुआ है हैरिट्स का, लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो है इनको अपने नाम के इनिशियल्स भी दे सकते हैं, आपके नाम के इनिशियल्स ब्रेड पर लिख देंगे और आप वो ब्रेड अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो ये भी बड़ा फन है, अगर आपको रोमांटिक होना है तो उमर आप आकर मेरा नाम लिखवा के ब्रेड लाकर दे सकते हैं मुझे। जो कोई फूडी है ना उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट है, रोमांस के लिए तो ये बेस्ट है। ओके, ये यहाँ पर देखिए चाय का भी पूरा एक सेक्शन है, ठीक है, आप आके डिफरेंट तरह की चाय ले सकते हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये डिफरेंट जगहों से चाय के सैम्पल्स हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं, और कॉफ़ी लवर्स के लिए ये हेवन है, यहाँ पे आपको दुनिया की आला तरीन कॉफ़ी जो है यहाँ पर मिलेगी, मुख्तलिफ तरह की, ठीक है, रोस्टेड कॉफ़ी, ऐसे पैकेट्स हैं आपको हैरिट्स में मिलेंगे आराम से, तकरीबन ये इतना पैकेट जो है ना, ठीक है,
ये तकरीबन 12.5 pounds का है, सही है, अराउंड 3,500 to 4,000 के दरमियान, ठीक है, डिपेंड्स कि क्या रेट चल रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ का, सही है। तो होल बीन्स भी हैं और आपको ग्राउंडेड कॉफ़ी भी मिल जाएगी, और जिसको बहुत ही पसंद है तो ऊपर कनस्तर भी पड़े हुए हैं भाई। ये देखें, आपको अरेबिक कॉफ़ी भी मिलेगी अगर आपको लेना है। केक देख लें, अब आप हम आ गए बेकरी पे जहाँ पे केक्स हैं बहुत खूबसूरत, सॉल्टेड कैरमल लगा हुआ है, रेड वेलवेट भी है, ठीक है, और डिफरेंट वैरायटी के केक्स यहाँ पर लगे हुए हैं, चॉकलेट भी है, ठीक है, हनी केक आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं केक अगर चाहें तो, बड़े ओकेजन्स के लिए, ठीक है। लेट मी चेक द प्राइस, और अगर मैं आप लोगों को एक रफ एस्टिमेशन दूँ ना इन केक्स की, क्योंकि इस साइज़ का केक हैरिस में आपको कितने का मिलेगा, 30,000 rupees का। जी हाँ, अगर आप ये केक लेंगे, फ़र्ज़ करें अगर आप आते हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये सॉल्टेड कैरमल केक लेना है, तो ये आपको पड़ेगा 30,000 rupees, 30,000 rupees का। और इस तरह की एक पुडिंग अगर आपको लेनी है तो ये आपको पड़ेगी ईजिली 3,500 rupees की, ठीक है, यू कैन सी दैट। और राइट गाइज, और देखें अब हम जो आ गए हैं वो हम आ गए हैं लूज टी जिसे कहते हैं, आपको खुली हुई चाय इतने साइज़ का टिन 15 pounds का आपको मिलेगा, ठीक है, 15 pounds का, सही है। तो ये आप कैलकुलेट कर देख सकते हैं कितना है, अराउंड 4,500 to 5,000 rupees, ठीक है, इतना बॉक्स, सही है। ये देखें, अच्छा ये जो है ये टी बैग्स हैं यहाँ पर साथ साथ, अगर आपको टी बैग्स लेने, ये है लेमन टी, ठीक है, और आपको वनीला टी भी मिलेगी साथ में, ऊपर देखें मोरक्कन मिंट, सही है, ग्रीन एप्पल भी है, वो ग्रीन एप्पल इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, आई वेरी लाइक ग्रीन एप्पल, वो मैंने ट्राई करी थी जब हम लोग टर्की गए थे और मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैं वहाँ से लेकर भी आई थी। और ये देखें मैंगो फ्लेवर भी है, ग्रीन एप्पल मसाला चाय, ये देखें मसाला चाय के टी बैग्स भी हैं, एप्पल के भी हैं, रोज़ स्ट्रॉबेरी, और ये जो आपको बॉक्स मिलेगा, ठीक है, अगर मैं आपको इसका बॉक्स दिखाऊं तो ये इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और ये मिलेगा आपको तकरीबन 10 pounds का, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखें, सही है। ओके गाइज, मैं ट्राई कर रही हूँ हमारी स्मूदी आप लोगों के लिए, ये बहुत मज़े की स्मूदी है भाई, बहुत बहुत मज़े की, लेकिन आई थिंक आप घर में बना सकते हैं और इतने में ना पूरी फैमिली पी लेगी, जो कि रियलिटी है। हम लोग आगे और जाते हैं और देखते हैं शूज़ वगैरह जो है सबसे डिफ़िकल्ट, हम लोग अभी तक उस सेक्शन में नहीं गए क्योंकि एक तो मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है, दूसरा ये है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की, लेकिन लेकिन मुझे तो वैसे ना मज़ा आता है खाने पीने की जगहों पर। मुझे ये फ़न लग रहा होता है कि यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ है ना वो पकड़ लो और वो खाओ, तो चलते हैं आगे और फिर देखते हैं अगर आपको और चीज़ें क्या दिखा सकते हैं, ठीक है, लेट्स गो। ओह वाह, उनकी लिप्स देख लें गाइस, कैन यू सी दिस लिफ्ट। मैं चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँ, एवोकाडो डिश, एवोकाडो, एंड दिस इज ड्रैगन फ्रूट, एंड लुक दिस इज ड्रैगन फ्रूट, दिस इज नारियल कोकोनट ना, और ये क्या, ये जग है, सर्विंग है, व्हाट इज दिस, लेट मी सी, ओह वाओ, लुक एट दिस ग्लासेस, दैट्स वेरी प्रिटी कलर, ये क्यूट कैटल है, कैटल है, टी पॉट है इसके अंदर, शुगर पॉट, केक स्टैंड, लेमन, लाइक गाइस लुक एट दिस प्लेट, इसमें लेमन के किनारों पे बनाए हुए उन्होंने एम्बोजिंग की हुई है, सो क्यूट, दैट्स वेरी प्रिटी, लुक एट दिस डिश गाइस, अगर आपको बैंगन पका के सर्व करना है ना तो आप बैंगन पकाएं और इसमें सर्व करें। और ये बिल्कुल सलाद पत्ते की डिश बनाई है, ये देखें जैसे सलाद पत्ता होता है ना उस तरह, गुड फॉर सैलड्स गाइस, लुक एट दिस कटलरी सेट, द वन दैट वन इज स्टनिंग, है ना, खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, है ना। ओह यहाँ पर प्राइसेस हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग फ्राम 310 डिफरेंट प्राइसेस हैं, लेकिन 310, 1,350, ये सब पाउंड्स में है, इसका मतलब ये 1.5 lakh एंड 2-2 lakh और 80,000 तक के जो है ना इनकी प्राइसेस जाती हैं। वाओ, उससे अच्छा है पता है क्या है, हाथ से खाएं, सुन्नत नबी भी है और आपको खाने का मज़ा भी ना दुबारा ट्रिपल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, तो लाखों रुपये खर्च ना करें कटलरी पर, हाथ से खाएँ, बेहतरीन।
हाँ वाइट कंपनी में पहले दिखा चुकी, मेरे पास कैंडल्स हैं यहाँ की, लेकिन ये पूरा बेडिंग है, पूरा बेडिंग आपको मिलेगी, बाथ सेट्स, ठीक है, कैंडल्स, एवरीथिंग। सो चलिए जनाब, सेल लगी हुई अपेरेंटली हैरिट्स में एप्पल की, ठीक है, तो आई मैक वगैरह जो है वो 300-350 pounds जो है वो कम हुआ है, टाइटेनियम एंड सिल्वर है। प्रो मैक्स की क्या प्राइस? 1199 चल रही है, ठीक है, और आई पॉड्स वगैरह लगे हुए हैं, और 15 प्रो जो है वो अराउंड 1000, ठीक है, वो 1000 pounds का है यहाँ पर, ठीक है, और ये एप्पल वॉचेज हैं यहाँ पर, ठीक है, लगी हुई हैं। एप्पल वॉच आपको कितने की मिल रही है यहाँ पर? 399 से शुरू है, फिर 429 pounds, और सबसे जो एक्सपेंसिव है वो है 529, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो अनदर पॉपुलर प्रोडक्ट बाय एप्पल। लेकिन अल्ट्रा वॉच देखें अराउंड 800 की है भाई, क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये देखें यहाँ पर डिफरेंट उसके जो है ना वो स्ट्रैप्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, और इट्स बाय सैमसंग। तकरीबन 98 inch स्क्रीन है इसकी, 98 inch, एंड इसकी प्राइस मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। उमर जल्दी से दिला दें गाड़ी फटाफट। साथियों मुझे देखें, मेरे YouTube फैमिली मुझे उमर ना दिला रहे हैं गाड़ी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी आ रही है वैसे। उमर कब दिला रहे हैं जल्दी से बताएं? अभी। एंड हाउ मच इज दैट? 123,450, दैट्स इट, बहुत कम, नथिंग, दैट्स नथिंग, नथिंग, वेरी चीप। हाँ तुम ये वाली ले लो, मैं तुम्हें ये वाली दिला देता हूँ। ये कौन सी कार्स हैं? ओह दिस इज बुगाटी मैन, दिस इज बुगाटी। फिर भी मैं नहीं बैठूंगी इसके अंदर, चाहे कितनी भी महंगी हो, आई डोंट केयर। ओके अब आ गया हेयर एंड ब्यूटी सलून, आईज एंड आईब्रोज, ये मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ अपनी हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो मल्टीविटामिन है ये काफ़ी मशहूर है यहाँ पर, अगर आपको अपने बाल लंबे करने हैं और बड़े करने हैं, और बालों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करी, मैंने सुना बहुत है। सामने देख रहे हैं वो सलून है, वहाँ पे आप बाल बनवा सकते हैं आके, और हेयर स्टाइल्स या कोई भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस अब हम आ गए शू हेवन, ये इस तरह शू का सेक्शन है जिसे लेडीज़ के लिए शू हेवन कहा जाता है, यानी कि जूतों की जन्नत। माई काइंड ऑफ शूज़, हील बहुत है, मैं हील नहीं पहनती आजकल, अवॉइड करती हूँ क्योंकि कमर में बहुत दर्द होता है, लेकिन If you really have to, but I think then these are very pretty. Okay, this is also very nice. ये मुझे ऐसा लग रहा है जो हैदरी में चप्पलें नहीं मिलती हैं हमारी, कसम बता रही हूँ, उमर हंस रहे हैं। मैं सही बता रही हूँ उमर, ये बिल्कुल आपको हैदरी में इसमें कुछ नया नहीं है, बट दीज आर वेरी प्रिटी, आई मस्ट एडमिट। वाह हाँ वो है, मैं ये नहीं कह रही कि क्वालिटी है उमर, लेकिन ये हमें ये सारा डिज़ाइन हमें हैदरी में मिल जाता है। हैदरी जाएँ, तारिक रोड जाएँ, आपको मिलेगा। मैं दीज पम्प्स आर वेरी, नो नॉट पम्प सॉरी, दीज सैंडल्स आर वेरी प्रिटी, लुक एट दैट, कैन यू सी इट, वेरी वेरी गॉर्जियस, आई लव इट, इट्स लाइक बेरी कलर। तो नहीं, ओ वाह दिस इज स्टनिंग, सो 55 यानी 555, इसका मतलब ये आराम से आपको 1.5 lakh rupees की सैंडल पड़ेगी। तो अब समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, तारिक रोड जाएँ, ऐसा पहने ज़बरदस्त, और पैसे बचाएं अपने। दिस बेस्ट थिंग यू कैन बाय फॉर योर सेल्फ, ये लेकिन ये प्राडा के हैं तो ये तो लाखों के होंगे, लेकिन दे आर गॉर्जियस, आई मीन दीज आर ब्यूटीफुल। 3-3.5 lakh का पड़ेगा आपको अगर आपको ये लेना, ये प्राडा का है। तो ऐसा करें, सिंपल जाएं, हैदरी से पकड़ें, तारिक रोड से पकड़ें, उस पर अपने जैम्स खुद लगा लें, एंड यू आर डन, यू आर गुड। ओके ये क्या चीज़ है यार, ये तो चप्पल लग रही है मुझे, जेम्स जड़े हुए इसके अंदर, अंदर पहनने के लिए पाँव में, आई मीन इट लुक्स नाइस। ये कितने की है? ओके 1.5 lakh rupees की है ये चप्पल, लेनी है तो लें आप लोग, आए मजे से पहने, मोची वाले से बनवा लें, दैट्स एलिगेंट। दीज आर प्रिटी, दीज आर वेरी क्यूट, दीज आर नाइस, लेकिन ये पॉइंटेड शूज मैं ले चुकी हूँ, बहुत दर्द करता है पाँव, थोड़ी देर के बाद ही ना आपका पाँव इतना दुखने लगता है, तो आई डोंट लाइक इट। ये चप्पल देखें आप, ये चप्पल आपको हैदरी की ठेली से मिलेगी, 239,
ये 40-50 हज़ार की है इस वक्त यहाँ। वाह, और हैरिट्स का जो है वो हो गया ट्रिप तमाम, कम टाइम था, क्या कर सकते हैं, जितनी कोशिश करी दिखाने की, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहे हैं, मे बी समथिंग टू ईट एंड फिर घर जाएंगे। तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है, हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है कार के अंदर। ये इतना बड़ा है, इसमें इतने सारे सेक्शंस हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर कभी आएंगे, दोबारा लेकर आएंगे। कार आ गई, हम लोग बैठते हैं अपनी कार में। आई एम जस्ट चेकिंग कि कहाँ से क्या मिल रहा है। एग्जैक्टली ये है फया और इधर पिज़्ज़ा मुझे लग रहा है, पिज़्ज़ा भी दिख रहा है, सैंडविचेस भी दिख रहा है। ठीक है, तो इट लुक्स प्रीटी नाइस कैफे। शैल वी ट्राई बट शैल वी आल्सो चेक फर्स्ट द चाय चपाती ना। सड़क इतनी सारी खुल गई हैं जगहें। Are you going to try the chai? Eat first. So when are they? But they are going to close no more. अब हम जरा देखते हैं आगे शॉप्स वगैरह में और चेक करते हैं कि अगर हमें जो है ना कुछ मिल जाए, है ना उमर? हाँ बिल्कुल। सो लेट्स सी। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इट्स नॉट इजी कि आपको एक साथ ही दिखा दें, लेकिन हमने जो जो चीज़ें मुझे जो इंटरेस्टिंग लगती थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को वो दिखाऊं और थोड़ा सा आप लोगों को ये भी देने की कोशिश करूं कि प्राइस रेंजेस ना, कि प्राइसिंग क्या क्या है और किस तरह से जो है वो प्राइस वगैरह यहाँ पर कितने महंगे आइटम्स हैं। नॉर्मल चीज़ें जो आपको एक जगह पर उसकी हाफ प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आप लोगों को फन लगेगा, एक नॉलेज है, ये सारी चीज़ें नॉलेज हैं कि यहाँ पर अच्छा हैरिट्स में क्या चीज़ें मिलती हैं क्या नहीं और स्टफ, क्योंकि सेंट्रल लंदन है वो बहुत। It's a Lebanese cuisine, no? This is very nice, na? This is garlic mayo. Look at that. This looks so yummy. And I love falafel, by the way. I love falafel. Yeah. Umar, which one do you want? Pistachio? Pistachio. Okay. Pistachio. Amarena is nice, huh? Nice. It's all halal. Even tiramisu is halal. Yeah. Let's get them. French. हाँ भाई जनाब, हम लोगों ने क्या किया है हम लोग आए, उमर हमें लेकर आए एजवेयर रोड, ये सारा अरब्स का इलाका है। हम लोग यहाँ पर जो हमने बनाया था ना व्लॉग, आलिया भट्ट वाला व्लॉग है ना, तो वो भी हम लोग यहीं पर आए थे लेटो कैफे। लेकिन यहाँ पर सारे जो है ना शॉर्मा की प्लेसेस हैं, आपको जो है वो शॉर्मा और चिकन शॉर्मा, लैम शॉर्मा, ये सब मिलता है। शॉर्मा मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। फलाफल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर हम लोगों ने फलाफल जो है फलाफल रैप लिया, चिप्स लिए, उनकी गार्लिक मायोनीज एंड चिली सॉस बहुत मजे की होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। हमने बच्चों के लिए भी वही पैक कराया है और फिर आइसक्रीम का दिल था तो हम लोगों ने एक कप लिया, मैं और उमर जो है ना वो शेयरिंग करेंगे आपस में। सो पिस्ताशियो लिया, तिरामिसु एंड अमरीना विच इज क्रीम एंड चेरी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया, तफरी हो गई, खाना भी खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया है। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट शेयर सब कुछ कर दें, क्योंकि कुछ नहीं जाता है ना। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लव यू लॉट्स, बाय।